जहां एक और सभी महिलाएं आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महिला थाने में पुलिसकर्मी महिलाएं अपना करवा चौथ का व्रत थाने में मनाती हुई नजर आ रही हैं। में दिखाई दे रहा यह नजारा NIT महिला थाने का है, जहां पर सभी महिलाएं सज धज कर पहुंची हुई हैं, साथ ही अपना करवा चौथ का व्रत भी पूर्ण कर रही हैं। जहां एक और आज के दिन सभी महिलाएं छुट्टी कर लेती हैं और अपने घर पर रहकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं, वहीं दूसरी ओर महिला पुलिसकर्मी अपने थाने में पहुंचकर अपने काम के साथ ही अपने व्रत को पूर्ण कर रही हैं। देखिए, करवा चौथ का त्यौहार अपने आप में एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। ये एक व्रत का दिन होता है महिलाओं के लिए, अपने पति के लिए जो व्रत रखती हैं, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए। तो महिला थाने की लड़कियों ने भी व्रत रखा है, तो कुछ लड़कियों को हमने ऐसे किया है कि सुबह जैसे जो आ गई थी तो फिर उनको अभी भेज दिया है कि आप व्रत कथा सुन के आ सकती हैं। कुछ लड़कियां भी यहीं पर हाजिर हैं। और रही ड्यूटी की बात, तो ड्यूटी तो हमारे लिए सबसे पहला काम है, क्योंकि महिला थाना है, महिला थाने में हाजिर रहना हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है, ताकि कोई दुखी महिला यहाँ थाने में आए तो उसको पूरा न्याय मिल सके। देखिए, एक दो कॉल तो ज़रूर आया था, लेकिन आज अभी तक मतलब कोई भी ऐसी महिला कोई शिकायत लेकर नहीं आई है, तो शायद ये इस व्रत का जो है एक असर है। देखिए, करवा चौथ पे मैं पूरे महिला थाना टीम की तरफ से ये एक संदेश देना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहें, और अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार होता है तो वो महिला थाने में आकर अपनी कंप्लेंट को दे सकती हैं या किसी भी जनरल थाने में आकर दे सकती हैं, लेकिन अपने साथ हो रहे अत्याचार को बिल्कुल भी ना दबाएं, और ना ही उनको गुटके जिंदगी जीने की ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना सीखे, और ज़िंदगी के को मतलब ज़िंदगी का जो मेन उद्देश्य है उसको समझ के अपने अपने उद्देश्य को वो हासिल करें। अगर उनको कुछ भी तकलीफ़ होती है तो महिला थाने की हेल्प के लिए ज़रूर आ जाए। हम खुद महिलाएं हैं तो हम समझते हैं हर महिला की दिक्कत को। जहां हमें लगता है कि हमारी काउंसलिंग के दौरान हमारी समझदारी से अगर किसी का घर बसता है, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर बसवाएं। लेकिन जब किसी उसमें ऐसा लगता है कि ससुराल पक्ष वाले बिल्कुल ही नहीं बात मानने को तैयार हैं, या ज़्यादा उत्पीड़न उसके साथ किया गया है लड़की के साथ, तो फिर वहाँ हम उसकी काउंसलिंग सिर्फ एक दो बार करवा के हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर घर नहीं बस सकता, तो हम मुकदमा दर्ज कर देते हैं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।